चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के पढ़ाई की। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस को आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को या सिंपल प्रेजेंट, राइट? शिवरात्रि है ना आज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने कल सीखा था कि हम लोग हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो जनरली द हिंदी सेंटेंसेस एंड विथ ताहती है, एग्जैक्टली नॉट द सेंटेंस, एग्जैक्टली द वर्ब एंड्स विद द ताहती है। और अंग्रेजी में पहचानना हो तो बी1 या बी5 यूज होता है, राइट? याद रखो, कभी भी हम लोग किसी टेंस को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, MPT या अदर वर्ड से नहीं पहचान सकते, हाँ वर्ब से पहचाना जाता है, और वर्ब को ही आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है? When it comes to verbs, तो वर्ब 5 फॉर्म में हो सकते हैं। वर्ब कितने फॉर्म में हो सकते हैं? 5 फॉर्म में। कौन कौन से नाम बताओ? करेक्ट, V1, V2, V3, V4 और V5। बट ये नाम नहीं है ना, ये नाम नहीं है, ये सीरियल नंबर है, नाम इनका कुछ और है। तो लेट्स नो द नेम, राइट? चलिए सीख लेते हैं नाम को। V1, V2, V3, V4, V5, ओके? V1 इज नोन एज प्रेजेंट फॉर्म। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट। इसका नाम है पास्ट, क्लियर है? और इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम है बच्चों इसका? पार्टिसिपल। और V4 का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V5 इज अगेन नोन एज प्रेजेंट फॉर्म। सो नाम ये है और ये सीरियल नंबर दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? कन्वीनियंस के लिए, कि बार बार नाम बोलना लिखना इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर लेंदियर, राइट? तो लेंदियर होने जा रहा, तो सिंपल ये कर दिया गया। V4 को कुछ खास परिस्थितियों में हम लोग जेरंड नाम से भी जानते हैं, ओके? व्हेन इट डज नॉट फंक्शन एज ए वर्ब, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, सॉरी एज ए नाउन, देन इट इज कॉल्ड जेरंड। नाउन के रूप में जब ये काम करता है, तो बोले नाउन के रूप में कैसे काम करेगा? एक सिंपल उदाहरण देके समझा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सेंटेंस है उसका अंग्रेजी करना, ठीक है? सेब, सेब खाते हैं ना, एप्पल्स, सेब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। एप्पल्स क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अच्छा एक और सेंटेंस बोलते हैं, उसमें बताना सब्जेक्ट कौन है, ठीक है? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट? तो नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, वॉकिंग भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वॉकिंग किसके बराबर हो गया? नाउन के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही? जब ऐसा हो तभी V4 को क्या नाम देते हैं? जेरंड नाम दे देते हैं, क्लियर है? अब बाकी डिटेल्स हम लोग वर्ब चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। बोले अभी बता दीजिए डिटेल से, जब ऐसे करेंगे बीच बीच में हर चीज को डिटेल में जाने लगेंगे तो कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्लियर है बात? हाँ, जितना रेफरेंस चाहिए हम दे देंगे ताकि आप समझ जाइए उन चीजों को, क्लियर है ना? तो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम लोग जो सीख चुके उसमें है कि हिंदी सेंटेंसेस के वर्ब के अंत में ताहती है मिलना, राइट? हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे दैट विल नेवर एंड विथ ताहती है, स्टिल दे विल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? वो कैसे होगा, कब होगा, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। बट उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस रहे तो कैसे होगा, हो सकता है? तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने किया है क्या? इसको नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ अफर्मेटिव किया, राइट? तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ताहती है इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस इज मस्ट, राइट? और इसके साथ साथ सेंटेंस में और क्या रहेगा? नहीं शब्द का उपयोग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यहां संस्कृत नहीं पढ़ाता हूं,
right? See, when you see tahu tihu in the end of the Hindi sentence, saying more precisely in the end of the verbs of Hindi sentence, it is present indefinite. Aur usme kya laga hai? To ye kaisa sentence hai? Negative hai. Kis tense ka? Okay? Aapko karna kya hai? You'll have to make the translation. वही चीज फॉलो करेंगे एसवीओ. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट, और उसके बाद पढ़ाना का अंग्रेजी टीच लिखेंगे, राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखेंगे यू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे संस्कृत, और फिर हेयर एमपीटी जो भी जैसे भी है. लेकिन हमारा सेंटेंस तो निगेटिव है ना, देखो, तो हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट जब भी आता है तो अपने दोस्त को खोजता है. इसके 24 फ्रेंड्स हैं. नॉट के कितने फ्रेंड्स हैं? 24 फ्रेंड्स हैं, 24. क्लियर है? कौन कौन से? ही सीट नहीं, हाँ, हम बोल देते हैं उनके दोस्तों के नाम. वो खुश हो जाएगा कि मेरे दोस्तों के नाम लिए जा रहे हैं ना. इज, आर, एम, वाज, वेयर, पांच हो गए. डू, डज, डिड, पांच तीन आठ हो गए. हैज, हैव, हैड, आठ तीन ग्यारह हो गए. ये कैटेगरी. दूसरा कैटेगरी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और मस्ट. 13 हो गए. 11 और 13 टोटल कितने हो गए? 24. ये 24 के 24 किसके दोस्त हैं? कैसे दोस्त हैं भाई? एकदम जिगरी दोस्त. जब ये आएगा तो 24 में से कोई ना कोई एक आ जाएगा. कोई ना कोई एक आना है. एक्सेप्शनल कोई ऐसा सिचुएशन रहता होगा जहां नॉट आए और 24 में से कोई एक ना आए. और वो 24 में से कौन आएगा ये इसके परमिशन पे डिपेंड करता है. ये क्या परमिशन देगा? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो ये डू और डज को, दो को परमिशन दे देता है कि तुम दोनों में से जिसको आना है आ जाओ. अब इसके परमिशन के बाद इसका परमिशन लेना पड़ता है. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये वर्ब के परमिशन से एक्सिलरी वर्ब डिपेंड करता है. यदि यहां आईएनजी होता तो तीन को परमिशन मिलता. किसको? किसको? इज, आर, एम. ये आईएनजी पास्ट का होता तो दो को परमिशन मिलता. किसको? किसको? वाज, वेयर को, राइट. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, इसने दो को दे दिया, डू और डज को. अब दोनों में लड़ाई होने लगा तो ये इंटरफेयर बोला किया. कौन? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बोला कि हमको तो डू ही चाहिए. बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए? तो यहां आ गया डू. हो गया. अब आप सोचेंगे कि कब डू और कब डज, कौन सब्जेक्ट डू को परमिशन देगा, कौन सा सब्जेक्ट डज को देगा. तो आज हम ये आपको सिखा के रहेंगे. आज हम छोड़ेंगे नहीं, पक्का हम सिखा के रहेंगे. ठीक है? आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है तो वो किसको परमिशन देगा? यदि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मतलब एक से ज्यादा कि एक, और प्लूरल मतलब, तो डज को परमिशन देगा. ठीक है? हाँ, बिल्कुल. और डू और डज, गौर से देखिएगा जो हम बोल रहे हैं. डू और डज, ये दोनों में से कोई भी आ गए तो वो सिर्फ V1 को परमिशन देंगे, V5 को कभी नहीं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में कल हमने बताया था V1 और V5 दोनों हो सकता है. बट जब डू और डज आ गया तो V1 के अलावा और कोई कभी नहीं आ सकता. बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अब नेगेटिव तो सीख चुके हैं. एक एग्जांपल और ले लें. हाँ ना, बोली ना. आप लोग अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं. उल्लंघन नहीं करते हैं. ठीक है? ट्रांसलेट आपको करना है. कोई कठिन नहीं है. प्लीज कमेंट. कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है. एसवीओ कीजिए. यू, उल्लंघन करना, डिसोबे. डिसोबे के बाद आज्ञा यानी ऑर्डर लिखने का जरूरत नहीं होता है. डिसोबे मतलब ही हो गया आज्ञा का उल्लंघन करना. ठीक है?
अब जिसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते हैं वही ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां किसके आज्ञा का बात हो रहा है? तो पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, राइट, फुल स्टॉप। लेकिन हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट लगेगा तो 24 में से कोई एक आ जाएगा। किसको बुलाओगे? दू को बुलाओगे? श्योर, हो गया, बन गया। कोई कठिन चीज था क्या? कोई यहां एक चीज दिखा, अपने माता पिता, और हमने यहां क्या लिख दिया? योर। तो ये कैसा कनेक्शन है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। बता दें एक सेकेंड के लिए। देखिए भाई, अपने का अंग्रेजी या अपना का अंग्रेजी बहुत सारे बच्चे अधिकतर बैच में हमको बोलते ओन होता है, गलत है, नहीं होता है। अपनी पढ़ाई को सुधार लीजिए, पीछे जाइए, ठीक है। एचजी वेल्स का नाम सुना है आपने? नहीं सुना आपने? उन्होंने एक किताब लिखी थी आज से 100-150 साल पहले। किताब का नाम था टाइम मशीन। उसी टाइम मशीन में बैठिए, एचजी वेल्स वाले में, पास्ट में जाइए, अपने इस पढ़ाई को सुधारिए। क्लियर है जी? बहुत प्यार से देख रहे हो मनीष, आज कुछ खास सुंदर दिख रहे क्या हम? बोलो ना। हाँ सर, थोड़ा दिल रह जाएगा मेरा। अच्छा देखो, अपना का अंग्रेजी सिखा दे, वो बोल रहा है उसके बोलने से क्या होगा। देखो यहां हम आपको सिखाते हैं अपना का अंग्रेजी क्या होगा। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। बात समझ में आ रही है? यदि सब्जेक्ट आई है तो अपना का अंग्रेजी माई होगा, वी है तो आवर होगा, यू है तो योर होगा। यदि ही या कोई भी लड़का है तो हिज होगा, ठीक है। शी या कोई भी गर्ल है, लेडी है, फीमेल है, तो क्या होगा? हर होगा। यदि दे है या कोई भी प्लूरल नाउन है तब देयर होगा। मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही होगी? और इट है या कोई भी वस्तु है सिंगुलर, तो इट्स होगा। हम करके दिखाएंगे, लेकिन पहले आप नोट कर लें। क्लियर है बच्चों? प्लीज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम दो तरह के बात किए थे। एक हुआ था यस नो क्वेश्चन और एक दूसरा हुआ था डब्ल्यू एच के, याद है ना? तो हम लोग पहले यस नो क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्या वह रोज समय पर यहां आता है? ठीक है, हमने कहा इसको भूल जाइए, वह रोज समय पर यहां आता है, बना दीजिए। क्या बनाएंगे? ही कम हेयर ऑन टाइम डेली। लेकिन हमारा वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के आगे ऑक्सिलरी वर्ब जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा? डज होगा। यही सब गलतियों से यदि आप ऊपर उठ जाते हैं तो आप नॉर्मल स्टूडेंट हो जाएंगे। स्मॉल एज से होगा, क्योंकि अभी सेंटेंस का शुरुआत तो नहीं रहा ना। और अंत में क्या होएगा? क्वेश्चन मार्क। वन मोर एग्जांपल देखिए बच्चे, यहां एक एक सेंटेंस करके हम लोग सीख रहे हैं। छोटा छोटा सेंटेंस है, गलतियां नहीं करते। मेन बात तब होती है जब सेंटेंसेस बड़े हो, रश ऑफ सेंटेंसेस हो, और उसमें आप मिस ना करें। और वो चीज पॉसिबल है ओनली थ्रू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हम बार बार प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं आपको डेली क्लास में, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आप जितना अधिक से अधिक करें, बोलिए कितना अधिक करें, उतना करें जिसमें आप अपनी गलतियों को संतोषजनक लेवल पे मिनिमाइज कर सके, रिड्यूस कर सके। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका भाई रोज अंग्रेजी सीखने
कहां जाता है? हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपके एसवीओ के रेंज से बाहर चला जाता है, कहा था ना, उसको छोड़ दीजिए और बाकी चीजों को आप ट्रांसलेट कर दीजिए। आपका भाई रोज अंग्रेजी सीखने जाता है, योर ब्रदर राइट गो टू लर्न इंग्लिश, गो टू लर्न इंग्लिश। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत हुआ हो? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है। तो भाई क्वेश्चन सेंटेंस है, कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे आपको लगाना होता है ऑक्सिलरी वर्ब। यहां कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आपके लिए है? सबसे पहले तो बताइए ग्रुप में कि ताहे ती है तो कौन सा दो तीन कौन हो सकता है? डू या डज हो सकता है? अब इसमें यहां डू की डज, ठीक है, कुछ लोग डू बोल रहे हैं, कुछ लोग डज बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग डू बोल रहे हैं इसके कारण कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि बात कितने लोगों के बारे में हो रही है। एक व्यक्ति के बारे में, देन यू विल हैव टू यूज डच। यदि योर ब्रदर्स होता, आपके भाई लोग, बहुत सारे भाई, तब यहां क्या होता? डू होता। क्लियर है बात? अब हमने जिसको छोड़ा था, जो हमारे रेंज से बाहर था, उसको ले आते हैं वेयर, और अंत में क्या होगा? ये क्लियर है सबको? यहां तक कठिन नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल हम और लेना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आपके सभी दोस्त इतना मन लगाकर अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? बताइए ना बच्चों, क्यों सीखते हैं बच्चों? पता नहीं, ये तो इश्क वाली बात बोल गए तू, एकदम शर्मा जाता है, लगता है जैसे हम रियल में फील करा रहे लोग। चलो इतना फील मत लो। अब देखो तुम्हारे रेंज से बाहर कौन जा रहा है? एसवीओ के रेंज से बाहर, छोड़ दो इसको। आपके सभी दोस्त इतना मन लगाकर अंग्रेजी सीखते हैं, राइट? आपके सभी दोस्त, ऑल योर फ्रेंड्स, योर ऑल फ्रेंड्स नहीं लिखना है, ऑल को आगे लिखना, ऑल योर फ्रेंड, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं। ऑल योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सीखना, लर्न वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। बोलिए सर आपको कैसे इतना पता चल रहा है? हम इतना प्रैक्टिस किए हैं कि हमको एसवीओ लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप में भी हो सकता है, आप में कुछ लोग कर ही लिए होंगे उस लेवल तक, राइट? एसवीओ क्लियर है? तो ये अरेंज कर देना एसवीओ पर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, बीच बीच में सब्जेक्ट कभी एक शब्द नहीं होकर फ्रेज हो जाता है, वहां आपको दिक्कत हो सकता है कि योर को पहले लिखे कि ऑल को पहले लिखे, वहां कंफ्यूजन हो सकता है, और वो कंफ्यूजन दूर करने का काम है, आप हमसे पूछिए। तो एक फार्मूला के तौर पे हमेशा याद रखना है कि ऑल हमेशा आगे रहेगा, माई आवर योर हिज हर जो कुछ भी है वो पीछे रहेगा, ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स। हाँ, बीच में आप ऑफ लगा सकते हैं, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है। लर्न इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां तक क्लियर है? इतना मन लगाकर, फिर एमपीटी जाएगा ना, तो एम पहले जाना चाहिए, मैनर। कैसे? मन लगाकर, कितना? सो अटेंटिवली, अटेंटिवली, और तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा वाक्य तो प्रश्नवाचक था, प्रश्नवाचक में तो हमको क्या लेना है? ऑक्सिलरी वर्ब। ताहेत ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, दो ही ऑक्सिलरी वर्ब अलाउड है, डू और डज। यहां डू की डज क्यों? We are talking about more than one, right? That's why. इसके आगे क्या? जो हमारे रेंज से बाहर गया था, और इसको रेंज में लाने के लिए पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब बताइए, चीजें हम कठिन चीजें सिखा रहे हैं या आसान चीजें? एकदम आसान चीज है, लेकिन बड़ा कमजोर यस सर निकला आसान में। कठिन लग रहा है क्या? पक्का ना कठिन नहीं है ना? कठिन लगे तो क्या करोगे? दो थप्पड़ खींच के मारना है इसको, नहीं खुद को,
ल क्यों रखा ठेन? नोट करो, यहां पे मिस हो गया ना ये वाला रोज. वेयर डज योर ब्रदर गो टू लर्न इंग्लिश? डेली यहां होना चाहिए था, वो मिस हुआ. नोट कर लिया उसको. देखिए, नाउ वी विल लर्न यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन कौन से चीजें ऐसी लाइफ की है, कौन कौन से हालात ऐसे हैं जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं और करते हैं. बहुत सिंपल है. लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर यू एंड इजी फॉर यू, राइट? हिंदी में एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, एकदम रियल रियल लाइफ सेंटेंस जो आपके लाइफ में है. आप अंग्रेजी सीखने रोज यहां आते हैं, है या नहीं है? मैं रोज 7 बजे से 8 बजे तक आपको यहां पढ़ाता हूं, राइट? आप कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं, राइट? आप में से कुछ लोग कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं, ठीक है? आप लोग अक्सर अपने घर पर खाना बनाती हैं, राइट? सौम्या नहीं बनाती. अच्छा, कभी कभी शौक से चिकन चाउमीन, मटर पनीर, हम कैसे मान लें कि आप बनाती हैं? हाँ, दैट्स नाइस, स्मार्ट गर्ल. वो कनखी मार रहा है ऐसे उसको कि सर का इंतजाम हो गया एक दिन का. तो आप देख रहे हैं, आप ये सब जो चीजें करते हैं, एक बार करते हैं या रिपीट करते हैं? रिपीट करते हैं ना. और सबके अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, ठीक है? आप सब कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, हमेशा बोल जाते हैं. मतलब आज के बाद इस पे भरोसा मत करना. जो चीजें हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं? यानी हम लोग ताहे तीहे से बोलते हैं तो अक्सर वो चीजें हमारे मुंह से निकलती हैं जो चीजें हम लोग अक्सर करते हैं, रिपीट करते हैं. या तो अक्सर रिपीट करें या तो कभी कभी, लेकिन रिपीट करते हैं, तभी वो ताहे तीहे में आता है. हाँ या ना? ये जरूरी नहीं कि अभी कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसको रिपीट करते हैं, तभी ताहे तीहे होता है. तो फर्स्ट यूज हमारा जो आ गया वो ये है, गौर से समझिएगा, ठीक है, कि वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टू टॉक अबाउट द थिंग्स. थिंग्स मीन्स एक्शन, राइट, दैट वी रिपीट. हाँ या ना? हिंदी में लिख दे क्या? जिन कामों को हम लोग रिपीट करते हैं. रिपीट को हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ, तो हिंदी लिखना पड़ेगा उसका. रिपीट करते हैं पुनरावृत्ति बोल रहा है. हमको लगता है कि 2 दिन में हम भूल जाएंगे. रिपीट करते हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. यही होता है ना बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना प्रैक्टिकली. अच्छा, जरा देखना उस सेंटेंस को फिर से एक बार. हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिबाइंड करके फिर से सुन रहे हैं. आप लोग रोज यहां अंग्रेजी सीखने आते हैं, मैं आपको रोज 7 से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ाता हूं. आप लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, उसने कहा मैं हमेशा बोलता हूं. तो क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, विशाल. विशाल हमेशा झूठ बोलता है. अब गौर से देखिएगा, ठीक है. सौम्या कभी कभी खाना बनाती हैं, ठीक है. मेरी सारी बच्चियां, बाकी सारी बच्चियां अक्सर खाना बनाती हैं. सही बोल रहे हैं? हाँ, वो एकदम मायूस होकर बोल रही है, कितनी अच्छा है सौम्या का किस्मत, कभी कभी बनाती है, ठीक है. तो आप देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में मेरे प्यारे बच्चों, आप या तो यूज करते हैं डेली, या तो कभी कभी, हमेशा, अक्सर, ये सब शब्द यूज करते हैं ना. और इन्हीं सब वर्ड से पता चलता है कि आप रिपीट कर रहे हैं और कब कब रिपीट कर रहे हैं, राइट है. तो ऐसे सेंटेंसेस में
फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स यूज करते हैं. वी यूज द वर्ड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सच सेंटेंसेस, राइट? हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स यूज करते हैं. फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स यूज करते हैं. इतना इंग्लिश तो संभाल लोगे ना बीच में, राइट? फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स को ही ग्रामर में आगे चल के पढ़िएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. ग्रामर में इनका नाम क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हम इनका एग्जाम्पल कुछ आपको बताना चाहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे ऑलवेज. ऑलवेज मतलब नेवर, कभी नहीं. ऑफ्टेन अक्सर. समटाइम्स ऑफ्टेन भी पढ़ते उसको. समटाइम्स कभी कभी. डेली रोज. एवरीडे रोज. हाँ ना बोलो. रोज मीन्स गुलाब. एवरी ईयर. इटीसी कर सकते हैं. सेंटेंस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है सेंटेंस के रूप में भी हम देना चाहते हैं. क्लियर है? मैं हमेशा सच बोलता हूं. है ना? अब जरा देखना अंग्रेजी करते हैं. आई स्पीक द ट्रूथ. देखिए भाई साहब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये है, बीच में आता है. कहां? मेन वर्ब के जस्ट पहले. ये अंत में नहीं जाएगा. बोले सर ये तो टाइम है, इसको तो पीछे लिखना चाहिए. लेकिन ऑलवेज का जगह होता है हमेशा कहां? मेन वर्ब के पहले. क्लियर है? याद रखना पड़ेगा ये सब, इसलिए हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको याद रहे. हाँ कि ना? आप हो ना पढ़ाई में मेरे साथ, कि सिर्फ मेरे साथ हो? पढ़ाई में मेरे साथ रह जाओ, ठीक है? एक एग्जांपल और, इससे तो मेरा मन भरेगा नहीं, पता है ना? मेरे छात्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं. अच्छा लग रहा है ना सुनने में? ये बहुत अच्छा वैसे बोला जैसे बोलते ना, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड. देखो मेरे छात्र मतलब एक की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं? एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं. तो माय स्टूडेंट लिखेंगे कि माय स्टूडेंट्स? माय स्टूडेंट्स. टेल एल आई, टेल ए, चूंकि यहां प्लूरल सब्जेक्ट था. गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट ये है और प्लूरल है, इसीलिए हमने यहां यह क्या यूज किया है? V1. और ये क्या है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट. और कभी नहीं मिल करके क्या बना? नेवर. और वो भी कहां रहेगा? वर्ब के आगे. कोई दिक्कत है यहां तक? एक एग्जांपल हम और बताना चाहते हैं, ठीक है? आप एग्जांपल से उबिए मत. एग्जांपल ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करेंगे. और आपको ये सब रूल्स नहीं याद रहेगा, ये सिर्फ कॉपी का सजावट होगा, डेकोरेशन. आपको रूल्स याद रहेंगे इनके जरिए. बात समझ में आ रही है? और इनके जरिए जो रूल्स याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर पाइएगा. यदि आप इनको रटिएगा तो हो सकता है कि आप इनको याद कर लीजिए, याद रह जाए, क्वेश्चन सोल्व करना उतना ईजी और उतना स्मूथ नहीं होगा जितना इसके जरिए ईजी हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? So, वो चीजें लिखवाई जाती है. यदि हम वो ना लिखवाएं तो आपको लगेगा सर पढ़ाएंगे नहीं. वो अंदर से वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता है इसके बिना. लेकिन काम का चीज यहां है. बस समझ में आ रही है? चलिए देखिए एक और एग्जांपल. वे लोग अक्सर देर से. अक्सर की जगह हिंदी में प्रायः लिख सकते हैं. अक्सर उर्दू शब्द है, ठीक है? अक्सर देर से क्लास में आते हैं. बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश वर्ड आ जाता है. आई होप कि वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, प्रैक्टिकल है. क्लास में आते हैं. दे
कम लेट टू द क्लास. ठीक है, अब देखिए ये क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ये है टाइम और ये है प्लेस. बोले पहले प्लेस होना चाहिए, जब प्लेस में एक से ज्यादा शब्द हो जाए और टाइम में एक ही शब्द रहे तो आगे ले आते हैं टाइम को. ये सब ग्रामर रूल्स है. बोले शुरू में क्यों नहीं बताए थे, यदि शुरू में सारा बताएंगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लिए टफ हो जाएगा. और जैसे जैसे सामने आते जाएगा वैसे सीखिएगा तो प्रैक्टिकली दिखेगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद रह जाएगा. बात समझ में आ रही है? और फिर ये वीडियो तो आपको जाएगा ही रिविजन के लिए आपके बैकअप में. आप एक बार नहीं, साल भर पूरा जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं रिविजन के लिए. और हम बोलेंगे बेस्ट तरीका होगा वीडियो को ही बार बार देखना. पूछिए क्यों? इससे फायदा ये होगा कि आप ऑन द गो कर पाएंगे कोई भी चीज. जैसे बैठे हुए तो गप करने के बजाय टीचर के आने में देर है, 10 मिनट वीडियो यदि प्ले कर लेते हैं तो वो रीडिंग करने से ज्यादा काम कर जाता है. हाँ या ना? टेक्स्ट से ज्यादा हमेशा वीडियो और पिक्चर्स वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, राइट? अब देखिए आपके पास वर्ड क्या है यहां पर, अक्सर. अक्सर के लिए यूज करेंगे ऑफ्टन, और ऑफ्टन या ऑफ्टन जो भी बोले आप. देखिए यहां भी सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया. सिंगुलर होता तो क्या होता, V5 होता. हाँ या ना? एक एग्जांपल और, जगह बचा हुआ है इसलिए दे देते हैं. ठीक है, वह कभी कभी सिनेमा जाता है ना, रोज जाना भी नहीं चाहिए, गंदा बात. पढ़ा कब करोगे? वह कभी कभी सिनेमा जाता है. देखिए बच्चों यहां यहां ध्यान दीजिए, वह कभी कभी सिनेमा जाता है. ही गोज टू द सिनेमा. देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए V5 आया है ना. कहां जाता है? सिनेमा. कब जाता है? समटाइम्स. हो गया ना? अब गौर कीजिए कि जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं वो सब मेन वर्ब के पहले आ रहे हैं. आ रहे हैं ना? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिए. हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है. लेकिन ऑफ्टन जो है, नहीं देखिए सिमिलर नहीं है, हम गलत बोल गए. ऑफ्टन का मतलब होता है मोर फ्रीक्वेंटली, और समटाइम्स का मतलब लेस फ्रीक्वेंटली. परसेंट कोई नहीं गिना है, कोई कोई ऑथर अपने बुक में ऐसे अपने एक्सपीरियंस से लिख देते हैं. ये परसेंटेज काउंट करने की चीज नहीं है, इसलिए हम उसको इम्प्रैक्टिकल मानते हैं उस तरीके के ऑथर्स को जो इस तरह का लिखते हैं. हालांकि कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक्स में भी परसेंटेज दिया हुआ है, बट आई डोंट फाइंड इट टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल आई पर्सनली, सो आई डोंट रिकमेंड दैट परसेंटेज. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू. सपोज कि कोई गांव का आदमी है, उस गांव के लोग, जरा गौर से सुनना, हम एक सिचुएशन, कलम रुक दो. ठीक है, ये इस बच्चे ने जो सवाल पूछा है कि ऑफ्टन को आप 50% बोलेंगे, इसको इतना परसेंट बोलेंगे, वो आदमी कभी इंडिया नहीं आया होगा, इंडिया का सिचुएशन नहीं देखा होगा. सपोज कि गांव के लोग हैं और वो कभी सिनेमा नहीं जाते हैं, और उस गांव में एक लड़का है जो महीने में एक बार चला जाता है. महीने में एक बार समटाइम्स हुआ हा? लेकिन उस गांव के लोगों के लिए क्या हो गया? ऑफ्टन. क्यों? क्योंकि तो कभी नहीं जाते, 3 साल 4 साल में एक बार जाते हैं. अब कोई महीना में एक बार जाने वाला आ गया तो क्या मिल गया? अब उस महीना में एक बार जाने वाला का एक दोस्त ऐसा है जो सप्ताह में एक बार चल जाता है. अब बताइए, उस जैसे एक आदमी है महीना में एक बार जाता है सप्ताह में, तो एक आदमी जो महीना में एक बार जा रहा है वो बोलेगा कि हम तो कभी कभी जाते हैं, महीना में एक आध बार चल जाते हैं. अभी जो एक सप्ताह में एक बार जाता है वो ऑफ्टन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? तो ये इसका कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है, ये हम इसको एकदम गलत मानते हैं, एकदम सही है ही नहीं वो तरीका. इसलिए परसेंटेज काउंट मत कीजिए, रख दीजिए उसको मैथ के लिए, नोट करें प्लीज. बच्चों हमको लगता है आज के लिए इतना ही रह जाएगा, बाकी चीजें अब हम लोग अगले दिन कर पाएंगे. ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे तरह के और उपयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बहुत सारे हालात है. अभी तो सिर्फ एक ही सिचुएशन को हमने लिया है कि जब कभी भी हम लोग कोई काम को रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं. अभी बहुत सारे और सिचुएशन है लाइफ के जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है. ठीक है, और उसको हम लोग सीखेंगे आगे. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.